नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। जैसे ही आप जानते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के बाहर जहां पर भी इसकी जरूरत रहती है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, इसका आपने उपयोग करना चाहिए। और ये ठीक तरह से उपयोग कैसे होता है, इसका उपयोग क्यों करना चाहिए, इसके अलावा इसमें लीगल प्रोविजंस क्या है यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो ये है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी जैसे आपको जो मालूम है हार्ड हैट, हेलमेट, ग्लासेस या मास्क। जैसे अभी COVID-19 सिचुएशन में हमने N95 मास्क के बारे में भी जानकारी ली और अभी उसका उपयोग करने लगे हैं। उसके अलावा अभी जो हार्ड हैट, हेलमेट्स, ग्लासेस जो यूज कर रहे हैं, उसमें भी अभी हम IS स्टैंडर्ड्स वगैरह पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो अभी हम टू व्हीलर्स पे या बाइक्स पे जो हेलमेट्स यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ISI कोड होना चाहिए या कौन से IS स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। अगर ये ISI मार्किंग नहीं होगी या स्टैंडर्ड टेस्टिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जहां पे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड हो या आप रोड पे रहे या फिर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे या फिर आप इंडस्ट्री के बाहर कहीं भी काम कर रहे होंगे, तो शायद आपको कहीं पे शायद पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत होगी। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की जरूरत क्या क्या है, तो इंडस्ट्री के हिसाब से अभी हम इसको देखते हैं। तो अगर आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ओवरऑल देखेंगे तो ये एक्चुअली जिसको हम कहेंगे टेक्निकली सेकंड डिफेंस है, यानी कि फर्स्ट डिफेंस जो है इंजीनियरिंग कंट्रोलिंग। अगर आप एक्सीडेंट और एक्सीडेंट प्रिवेंशन के बारे में अगर आप जानते हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन के जो मेजर्स रहते हैं और उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात कही जाती है कि एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि आपकी जो प्रोसेस होगी, आपके जो प्रोसेस में अलग अलग प्रोसीजर्स होगी, वो प्रोसेस और प्रोसीजर ही ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप इंजीनियरिंग का यूज करके, इंजीनियरिंग का नॉलेज अप्लाई करके आपको वो बात कंट्रोल करनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं। अगर कहीं जगह डस्ट है या कहीं जगह कुछ केमिकल्स लीकेज हो सकता है, कहीं जगह आपको केमिकल्स के वेपर्स आते हैं, तो ऐसी भी जो चीजें हैं वहां पर भी आपको सबसे पहली बात इंजीनियरिंग कंट्रोल के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अभी आप अगर सोचेंगे कि आप क्लोज रूम में आप काम करेंगे या फिर आप लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे या फिर आप वेंटिलेशन अच्छी तरह से देंगे या फिर आप टॉक्सिक केमिकल की जगह कम टॉक्सिक केमिकल्स आप सब्स्टिट्यूशन देंगे, तो ये अलग अलग जो बातें हैं जो आप प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर अलग अलग डिजाइंस या फिर अलग अलग टेक्निक से आप जा सकते हैं जिसकी वजह से आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो सब इंजीनियरिंग कंट्रोल में आती है। अगर आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल पॉसिबल नहीं है तभी आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे अगर हम अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आपको मालूम है कि आपको हार्ड हैट्स या हेलमेट्स, शूज या एप्रॉन्स या ग्लासेस आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फील्ड में ऑलरेडी वहां पे कुछ नहीं है, वहां पे सिर्फ मटेरियल है और वहां पे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है। तो वहां पे आपको बहुत सारे प्रोविजंस आप ये नहीं कर सकते कि इंजीनियरिंग कंट्रोल थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सके, तो वहां पे आपका पीपी ये जो है वो डिफेंस आएगा। और ऐसी बहुत सारी जगह है, जैसे अभी आप अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं या फिर जहां पे आपका हाइट कम है या फिर कम डायमीटर पाइप में आप काम कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी डिजाइन प्रोसेसेस और डिजाइन इक्विपमेंट से या फिर जो भी आपका ओवरऑल प्रोसीजर है, ओवरऑल इंडस्ट्री में प्रोसेस है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हर टाइम। तो आप डिजाइन बेस पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो सेट हो चुका है, ओवरऑल प्रोसेस 24/7 चालू है, तो उसके बाद में आपको ये डिजाइन में चेंजेस करना डिफिकल्ट टास्क है, तो वहां पे आपको पीपी
सेकंड डिफेंस यूज करना पड़ेगा। अभी जो अवेलेबिलिटी के बारे में पहले कहा जाता था कुछ साल पहले कि ये अलग अलग जो पीपीज है वो अवेलेबल नहीं होते थे, लेकिन आज के डेट में अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। आज के डेट में पीपीज अवेलेबल है, चाहे वो रेस्पिरेटरी टाइप हो या नॉन रेस्पिरेटरी टाइप हो, उसमें भी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो भी अवेलेबल है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में लेना है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग होगी, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या वर्कशॉप्स में काम करना है शायद उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, अगर आप कोई केमिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अवेलेबिलिटी अभी इश्यू नहीं है, तो अवेलेबल पीपीज है, लेकिन मैनेजमेंट का अप्रोच और उसके साथ वर्कर्स का अप्रोच, ये दोनों बातें जब क्लियर हो जाएगी तो पीपीज आपको अवेलेबल हो जाएंगे और वर्कर्स उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे फैक्ट ये है कि बहुत सारी कंपनीज में पीपीज अवेलेबल है लेकिन वर्कर्स उसको सीरियसली नहीं लेते, यानी कि कहीं पे आपकी जो मेंटेलिटी है, कहीं पे आपकी जो सीरियसनेस है, या फिर शायद आपको इसका ध्यान नहीं है, अगर ये पीपी मैं यूज नहीं करूंगा तो क्या हो सकता है। तो जो लोगों ने अभी तक पीपी यूज किए हैं और जिनका कुछ ना कुछ इंजुरीज, जिसको हम नियर मिस कहते हैं, तो इंजुरी होने से बच गए हैं, या फिर कोई टूल वहां पे गिरा है और जिसकी वजह से वो पीपी की वजह से बच गए, इंजुरी वहां पे नहीं हुई है, तो ऐसी जो बातें होती है वो लोगों को मालूम है कि इसका सीरियसनेस क्या है, तो उनका जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। और ऐसे ही सीरियसनेस जो है वो एक्चुअली हर एक वर्कर के पास चाहिए। अगर उनको ट्रेनिंग की जरूरत है तो उसको ट्रेनिंग देना चाहिए, अगर वो सेफ्टी कॉन्शियस नहीं है, सेफ्टी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेते और वो सीरियसली है, तो उनको उस तरह से आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। जो स्पेशली वर्कर अपने यहाँ पे वर्कर्स जो हेल्पर कैटेगरी के हैं या फिर फ्रेशर्स कैटेगरी के हैं, वहां पे सेफ्टी एजुकेशन, पीपी एजुकेशन या ट्रेनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे आपको ये ज्यादा काम करना पड़ेगा और पीपी के अलग अलग जो पहलू है उसके बारे में आपको बात करके उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तभी वो पीपीज वहां पे हर एक वर्कर यूज करेगा। तो स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं तो मल्टीनेशनल कंपनीज में, लार्ज स्केल कंपनीज में पीपीज कंपलसरी रहते हैं और वो मैक्सिमम लोग जो है वो सीरियस भी रहते हैं, उनको मालूम भी रहता है, वो वेल ट्रेंड रहते हैं, उस हिसाब से वो काम भी करते हैं। लेकिन स्मॉल स्केल के बारे में अगर हम बात करेंगे और कुछ मीडियम स्केल की जो कंपनीज है वहां पे अगर आप देखेंगे तो ये अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये स्मॉल स्केल और कुछ मीडियम स्केल जहाँ पे पीपीज ज्यादा यूज नहीं करते, या फिर वर्कर्स को आपको कुछ चेंज करना है, उसकी मेंटेलिटी चेंज करना है, उसकी साइकोलॉजी चेंज करना है, वहां पर शायद आपको ट्रेनिंग ज्यादा देना पड़ेगी। तो ये पीपी के बारे में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं टोटल एक्सीडेंट्स में से 30-40% एक्सीडेंट्स अवॉइडेबल है या प्रिवेंटेबल है, यानी कि जितने भी एक्सीडेंट हुए, जो एक्सीडेंट की वजह से इंजुरीज हुई या फैटलिटीज हुई है, तो वो आप पीपी अगर शायद पहनते तो 30-40% एक्सीडेंट की जो सीरियसनेस थी या फिर जो इंजुरीज थी वो शायद आप कंट्रोल कर पाते। तो ये ओवरऑल एनालिसिस बता है। उसमें अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो पीपी आपको कहाँ पे लगता है, तो जहां पे टॉक्सिक एक्सपोजर है, जैसे कुछ केमिकल्स के बारे में हमने बात की थी पहले, अगर आपके यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है, या ऐसे कुछ केमिकल्स है जो टॉक्सिक लेवल के हैं, और वहां पे लीकेज होने के चांसेस है, या फिर लोडिंग और अनलोडिंग करते टाइम या ट्रांसफर करते टाइम वहां पे वो एनवायरमेंट में आने के चांसेस है, तो ये एक एक्सपोजर है जहां पे आपको रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी आपको यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑक्सीजन डिफिशियंट एटमॉस्फेयर है, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, या फिर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन ज्यादा हो सकता है, तो ऐसे अगर आपके यहाँ पे कुछ इश्यूज है तो वो इश्यूज के बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी जो है वो रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी आपको यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ कंपनीज या कुछ साइट्स है जहां पे डस्ट एक इशू रहता है, जैसे अगर आप कोल माइन की बात करेंगे या कोई भी माइन की बात करेंगे यहाँ पे, या फिर जहाँ पे
जो ड्रिलिंग प्रोसीजर रहती है या फिर कोई साइज रिडक्शन ऑपरेशन रहता है, तो वहां पे ये डस्ट का एक मेन इश्यू रहता है। तो चाहे वो स्टोन्स की डस्ट हो सकती है या फिर क्ले की डस्ट हो सकती है या फिर कोई ऐसे मटेरियल जो साइज रिडक्शन करते टाइम वहां पे उसकी डस्ट प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर जैसे फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी यहाँ पे डस्ट होती है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप की डस्ट है। तो यहाँ पे अगर डस्टिंग होगी तो आपको डस्ट मास्क यानी कि रेस्पिरेटरी टाइप पीपी जो है वो आपको यूज करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप केमिकल्स यूज करते होंगे, केमिकल लोडिंग अनलोडिंग करते टाइम या हैंडल करते टाइम केमिकल स्प्लैश होने के चांसेस है, तो ये केमिकल स्प्लैश जो गॉगल्स रहते हैं ये गॉगल्स आपको यूज करना है। तो जो भी केमिकल होगा वो केमिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है, उस हिसाब से आपको गॉगल्स चॉइस करना चाहिए, उस हिसाब से आपको पीपी फाइनलाइज करना चाहिए। उसके अलावा जो फ्लाइंग पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कहीं पे ग्राइंडिंग प्रोसेस है, कटिंग प्रोसेस है या फिर फिनिशिंग प्रोसेस है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस या ऑपरेशन है जहां पे फ्लाइंग पार्टिकल्स हवा में आ सकते हैं और शायद वो आपके बॉडी के कोई भी पार्ट में टच हो सकते हैं और जिसकी वजह से आपको इंजुरी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे इंजुरीज हैं जहां पे ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको समझ में आएगा कि पीपीई की जरूरत क्या है। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिटेल में और देखेंगे तो पीपीई के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो कुछ जगह यहाँ पे पीपी यूज नहीं होते, तो जो यूज नहीं करते अगर उनसे अगर आप बात करेंगे क्लियर से तो आपको कुछ आउटपुट आएंगे। जैसे अभी यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वहां पे आप ज्यादा टाइम पे ये पीपी यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी ऑक्सीजन कार्ट्रिज है या ऑक्सीजन सिलेंडर्स है तो ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम देता है कि आपको 20 मिनट्स के लिए ही ये आप पीपी यूज कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस कहते हैं। तो जहां पे ऑक्सीजन डिफिशियंट एटमोसफियर है वहां पे आप SCBA यूज करना चाहिए, लेकिन उसका लिमिटेशन रहता है कि ये पर्टिकुलर टाइम के लिए ही आपको यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते, या फिर आपको SCBA रिफिल करना पड़ेगा या फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो है हेवी कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वहां पे सिर्फ सेल्फ ब्रीदिंग एपरेटस ही आपको रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन दूसरे केमिकल्स का हायर साइड है, इसका मतलब है वहां पे ऑक्सीजन डिफिशियंसी है। अगर ऑक्सीजन डिफिशियंसी है तो उसकी वजह से आपको सफोकेशन हो सकता है, आपको रेस्पिरेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं और उस हिसाब से आपको लंग्स रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं और आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी लिमिटेड टाइम, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है इसका जो पीपी का लिमिटेशन है। और पीपी के बारे में सबसे मेन जो एजुकेटेड पीपल से जिनको मालूम है तो वो सेकंड टाइम उसको देखते हैं, यानी कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस करके देखते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन जो है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल के बारे में ही वो बात करेंगे। अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल से आपका हजार्ड कंट्रोल में आता है, अगर आप एक्सीडेंट के चांसेस रिड्यूस करते हैं, प्रोबेबिलिटी कम करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल की बात करेंगे और उसके बाद में ही अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ही पीपी की बात आएगी। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अलग अलग लिमिटेशन, जो स्पेसिफिक लिमिटेशन जिसको कहेंगे, जैसे अभी बहुत सारे कंपनीज में पीपीज अवेलेबल है लेकिन शायद कुछ पीपीज की क्वालिटी जो है वो क्वालिटी कम रहती है, यानी कि डिग्रेडेशन जिसको बोलेंगे हम, तो ये डिग्रेडेशन आता है, या फिर वहां पे कुछ पीपीज की वजह से ऑडर का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ अलग से स्मेल आता है, जैसे कि कुछ प्लास्टिक मटेरियल रहता है या फिर कुछ फाइबर मटेरियल रहता है, अगर डायरेक्ट सनलाइट में आप यूज करेंगे या फिर थोड़ा टेम्परेचर हायर साइड में रहेगा तो उसकी वजह से अलग अलग वेपर्स भी क्रिएट होते हैं जो ऑडर क्रिएट करते हैं। अगर आप क्लोथ्स यूज करते हैं कंटिन्यूअस, फुल बॉडी एप्रॉन्स यूज करते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके अलावा है जो प्रॉब्लम्स आते हैं कुछ लोगों को जिनको स्पेसिफिकली एलर्जीज रहती है, तो कुछ क्लोथ्स की वजह से या कुछ प्लास्टिक मटेरियल की वजह से या फिर कुछ अलग मटेरियल की वजह से जो पीपीई का मटेरियल रहेगा उसकी वजह से स्किन इरिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये डिपेंड है आपका एलर्जी का इश्यू है या फिर आपका स्किन सेंसिटिव है या फिर आपने बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज किया है या फिर वहां पे स्वेटिंग भी हो रहा है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है और आपका कंटिन्यूअस यूज भी है। तो अगर ऐसे कुछ
अलग अलग पैरामीटर्स होंगे तो ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा है जो रेसिड्यूज, तो अलग अलग रेसिड्यूज या कुछ केमिकल्स या कुछ पार्ट्स यहाँ पे पीपीज पे हो सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अनयूजुअल रेसिड्यूज। तो यहाँ पे ये पीपी पे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये भी रेसिड्यूज या पार्टिकुलेट्स रह सकते हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आता है, नॉर्मली जो वर्कर्स बात करते हैं, डिसकंफर्ट या फिर इन अप्रोप्रिएट साइज। तो किन कुछ लोगों को शूज के बारे में या हैंड ग्लोव के बारे में या फिर हेलमेट के बारे में अगर पूछा गया, तो उनका सबसे पहले ये कहना रहता है कि ये 10-15 मिनट से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते, या आधा एक घंटे के ज्यादा यूज नहीं कर सकते, कंटिन्यू 8 घंटे के लिए यूज नहीं कर सकते। तो उनको जब प्रॉब्लम पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम काम नहीं कर सकते, या फिर हमारी जो इफिशियंसी वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम ये कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये जो डिसकंफर्ट है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर उसकी स्पेसिफिक साइज नहीं है, जैसे अगर किसी का जो हेड है यानी कि सर, उस सर के लिए जो अप्रोप्रिएट साइज रहता है, या फिर आज के डेट में अगर आप हार्ड हैट हेलमेट्स में देखेंगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दी रहती है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, आप उसको यूज नहीं करते, या फिर जैसे शूज का नंबर आपका थोड़ा सा अलग है, तो वहां पर भी आप अप्रोप्रिएट साइज यूज ना करने की वजह से डिसकंफर्ट फील करेंगे, और जिसकी वजह से प्रोटेक्शन की जगह प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। उसके अलावा है जैसे फटिक, फटिक यानी कि अगर आप एक ही बात, एक ही काम अगर कंटिन्यू बेसिस पे करते होंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी कुछ देर के बाद आपको पता ही नहीं चलता ये क्या चल रहा है, तो इसको कहते हैं फटिक। जैसे नॉर्मली हम एक ही काम अगर 8 घंटे कंटिन्यू कर रहे हैं या 4 घंटे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेक लेके वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे फटीग के चांसेस रहते हैं। जैसे अभी हम अगर कंटिन्यू 4-5 घंटे ड्राइविंग करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद अगर आप शायद कहीं पे एंगेज नहीं है, तो आपको यहाँ पे फटीग महसूस होगा। आपको थोड़ी देर के बाद, थोड़े कुछ सेकंड के लिए आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं या फिर आपको कहाँ जाना है। तो ये बातें इंडस्ट्री में अगर होगी तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इवन अभी जैसे मैंने बात कही कि ड्राइविंग में भी अगर ऐसी बातें होती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये स्पेशली हमने जो पीपीज के बारे में बात की, तो उसमें रेस्पिरेटर टाइप जो पीपीज रहती है, यानी रेस्पिरेशन जो आपका नोज थ्रू आप लंग्स में जो एयर पास करते, यानी कि ऑक्सीजन पास करते, वो जो पूरा ट्रैक है वो रेस्पिरेटर ट्रैक रहता है, और ये ट्रैक के लिए, ये प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रेस्पिरेटर यूज करना पड़ता है, यानी कि रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये नॉर्मली अगर ज्यादा टाइम यूज करते हैं तो वहां पे फटीग के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा जो विजन है, उसको भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर आप ग्लासेस देखेंगे या गॉगल्स देखेंगे, तो कुछ लोगों को जिनको कंटिन्यूअस अगर रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम है, तो उनको विजन कम हो जाता है, क्योंकि जो वेपर्स आती है, वाटर वेपर्स, जो मॉइस्चर्स आते हैं, वो ग्लास पे आ जाते हैं और उनका विजन कम हो जाता है। तो इसके लिए कुछ अलग प्रोविजंस आपको करना चाहिए। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, जैसे अगर आपने हेलमेट पहन लिया या फिर आपने ईयर प्लग, ईयर प्रोटेक्शन के लिए पहन लिया, तो आपको शायद नॉर्मल सुनाई नहीं देगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अगर आप सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग एपरेटस पहनते हैं, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हैं, या फिर ओवरऑल फुल बॉडी एप्रॉन आपने पहन लिया है, तो आपका नॉर्मल जो बॉडी मूवमेंट रहता है वो बॉडी मूवमेंट यहाँ पे नॉर्मल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा थोड़ा। उसके अलावा जो पर्सनल रिस्पॉन्स है, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लगता है, उसकी वजह से उनकी पल्स रेट बढ़ जाती है। कुछ लोगों को डिसकंफर्ट फील होता है, जिसकी वजह से वो नॉजिया महसूस करते हैं, वोमिटिंग टाइप महसूस करते हैं। कुछ लोगों को चेस्ट पेन हो सकता है, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड रहता है, ये हर लोगों को सेम पीपी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। तो ये एक्चुअली आपके मेंटेलिटी पे भी डिपेंड है, आप उसको कैसा सोचते हैं उस हिसाब से भी ये अलग अलग रिएक्शंस आ सकती है। उसके अलावा जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहते हैं, उसका पेनिट्रेशन एक इश्यू रहता है, या फिर परमिएशन एक इश्यू रहता है। ये नॉर्मली बहुत सारी स्टार्टिंग में जब हमने देखा था, तो जो स्टैंडर्ड पीपीज नहीं रहते, उनकी वजह से ये सब सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का भी बर होता है, या फिर ईयर प्लग में भी बर होता है, या फिर आपने
लो ग्रेड या लो क्वालिटी वाला अगर मटेरियल आप यूज करते हैं तो उसकी वजह से प्रोटेक्शन की जगह यहाँ पे आपके बॉडी को ही या फिर आपके स्किन को ही प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो अगर आप हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं या फिर आपके रूम में नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है या फिर वहाँ पे हीट स्ट्रेसेस डेवलप होने के चांसेस है, तो वहां पर जो नॉर्मल पीपी आप यूज करते हैं तो वहां पर आपको स्पेसिफिक पीपी यूज करना पड़ेगा या फिर आपको कम टाइम के लिए पीपी यूज करना पड़ेगा और आपको रोटेशन में काम करना पड़ेगा, क्योंकि हीट स्ट्रेसेस जहाँ पे डेवलप होता है, हाई टेम्परेचर जहाँ पे होता है, तो वहां पे आप फुल बॉडी एप्रॉन जैसे पीपीज या फिर रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी जो रहते हैं वो पहन के नॉर्मल काम नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सारे ऐसे अलग अलग लिमिटेशंस है जिसकी वजह से पीपी के बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है, तो ये भी आप दूर कर सकते हैं ट्रेनिंग थ्रू या अवेयरनेस जो है अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अभी ये जो हमने स्टार्टिंग में बात कही थी कि पीपी का मेन नीड क्या है, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए आपको सबसे मेन यूज करना है पीपी, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पे हजार्ड्स अवेलेबल है और हजार्ड्स प्रोटेक्शन करने के लिए आपको पीपी यूज करना है। जैसे यहाँ पे अलग अलग केसेस यहाँ पे मेंशन किए मैंने, जैसे फॉस्फीन है या फॉस्जीन है, क्लोरोफॉर्म है या फिर 2,4-ट्राइक्लोरोफिनॉल है, या ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जिनका स्टेल वैल्यू यानी कि 15 मिनट्स, जिसको हम स्टेल वैल्यू कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, तो ये स्टेल वैल्यूज बहुत कम होती है, यानी कि कम पीपीएम भी ये अगर अवेलेबल होता है तो उसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस या फिर डेथ होने के भी चांसेस है। तो ये ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल डेटा है वो बताता है कि ये बहुत सारे केमिकल की वजह से फैटलिटी हो चुकी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सबसे पहले जो फैटलिटी केसेस या सीवियर केसेस है उसको पहले प्रोटेक्ट करना है पीपी थ्रू। जहां पे अलग अलग ऐसे कुछ हजार्ड्स है जिसको हम बोलेंगे विजुअल हजार्ड्स या फोरसीएबल हजार्ड्स, जो आपको नॉर्मल आंखों से भी दिखाई देते कि यहाँ पे ये मैकेनिकल हजार्ड है, यहाँ पे केमिकल हजार्ड है, या फिर आप ये शार्प एजेस यहाँ पे यूज कर रहे हैं या फिर कुछ एर्गोनॉमिक हजार्ड्स है, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे पीपी की जरूरत क्या है। जैसे अभी आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट पे या कोई फैब्रिकेशन शॉप पे या कोई इंजीनियरिंग वर्क्स पे, वहां पे अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ मेटल और वो मेटल के एजेस या फिर जो मेटल का टेम्परेचर, ये अलग अलग जगह बहुत चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे आपको कंपल्सरी आपको सेफ्टी शूज यूज ही करना पड़ेगा, उसको कुछ ऑप्शन नहीं है। उस हिसाब से अगर आप अलग अलग देखेंगे तो कुछ एक्सपीरियंसेस रहते हैं इंडस्ट्रीज में और उसका हिस्टोरिकल डेटा भी रहता है जहाँ पे ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो यहाँ से भी आपको करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन जो है उसके बेसिस पे आपको बताते हैं कि अगर आपको ये एक्सीडेंट रिपीट नहीं करना है तो आपको ये पीपी पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्कर ने या एम्प्लॉय ने ये पीपी नहीं पहना था जिसकी वजह से यहाँ पे ये सीवियर और सीरियस इंजरी हो चुकी है। तो ये एक्सीडेंट हिस्ट्री की वजह से भी आपको नीड पता चलती है पीपी की। उसके अलावा जो है वो है रिपोर्ट ऑफ सेफ्टी कमिटी, तो यहाँ पे जो सेफ्टी कमिटीज रहती है तो ये सेफ्टी कमिटीज भी आपको कुछ ना कुछ आउटपुट देती है या रिकमेंडेशन देती है। जैसे सेफ्टी ऑडिट होता है, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो या फिर एक्सटर्नल ऑडिट हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स आते हैं और शायद वो भी रिकमेंड आपको कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको पीपी पहनना पड़े। उसके अलावा है जो सर्वे या सेफ्टी सैम्पलिंग या जॉब सेफ्टी एनालिसिस जैसे जो प्रोसेस है, तो ये भी आपको यहाँ से पता चलेगी। तो यहाँ पे ये रिस्क असेसमेंट की कुछ स्ट्रेटजीज रहती या फिर यहाँ पे जॉब सेफ्टी एनालिसिस जैसे कुछ टूल्स आपको यूज करना पड़ते हैं, तो उसमें भी आउटपुट में कुछ ना कुछ पॉइंट आ सकते हैं जहाँ पे आपको पीपी की नीड पता चले। उसके अलावा जो लीगल रिक्वायरमेंट है यानी कि जो फैक्ट्री एक्ट है या फिर महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल है 1963 का, इससे अलग अलग जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें भी उन्होंने बताया है कि आपको ऐसे ऐसे जगह पर्टिकुलरली ये आपको पीपी कंपलसरी है या इसेंशियली या मैंडेटरी है। उसके अलावा जो अथॉरिटीज रहती है, जैसे अभी हमने कहा कि अगर डिश ऑफिस के हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सेफ्टी हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर आ चुके हैं और वो अथॉरिटीज ने आपको कहा कि यहाँ पे आपको कंपलसरी पीपी यूज करना चाहिए,
यही पर्टिकुलर क्वालिटी का यूज करना चाहिए और यही क्वालिटीज यानी कि प्रॉपर्टीज वाले ही पीपी यूज करना चाहिए, तो वो अथॉरिटीज के हिसाब से भी आपको पीपीज वहां पे यूज करना पड़ेगी। या फिर दूसरे अगर एमपीसीबी के अगर या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसे भी अगर अथॉरिटीज यहाँ पे आती है और उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक्चुअली ये केमिकल्स का इश्यू है जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी आपको यूज करना चाहिए, तो ये रिकमेंडेशन भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अथॉरिटीज की वजह से। उसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती है, मेडिकल चेकअप होता है, तो वो मेडिकल रिकॉर्ड्स मेडिकल डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल होते हैं। तो प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट जो अलग अलग तरीके से होते हैं, या फिर जो वर्कर्स को कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट हो चुका है और वहां से अगर पता चलता है कि ये कुछ केमिकल्स जो आपके बॉडी में एंटर कर चुके हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आए, या फिर कहीं पे इंजरी हो चुकी है और ये इंजरी रिपीटेडली हो रही है ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे पीपी कंपलसरी है। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां से आपको पता चलेगा कि पीपी की नीड क्या है। अभी जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे मटेरियल है या फिर कुछ प्रोसेस है या फिर कुछ इक्विपमेंट स्पेसिफिक या फिर कुछ डिवाइसेस है, तो उसके बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हैं कि पीपी यहाँ पे है या नहीं। तो ये पीपी जो है, तो ये पीपी के बेसिस पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल अगर फेल्यूर है तो वहां पर भी आपको पीपी यूज करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो सिचुएशन है वहां पे कंडीशंस है, वो चाहे मशीनरी ओरिएंटेड रहो या प्रोसेस ओरिएंटेड रहो या इक्विपमेंट ओरिएंटेड रहो या फिर कुछ डिवाइसेस ओरिएंटेड रहो, तो यहाँ पे ये अलग अलग जो पॉइंट्स है उस कंडीशन के हिसाब से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे पीपी यूज करना है या नहीं। उसके अलावा जो डेंजरस सब्सटेंसेस है, वो डेंजरस सब्सटेंसेस भी आपको ध्यान रखना है कि ये डेंजरस सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज क्या है और वो प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको पीपीज की नीड है या नहीं। उसके अलावा जैसे हमने कहा था कि नॉइज पोल्यूशन है या फिर वाइब्रेशंस है और रेडिएशंस भी है, तो ये अलग अलग हजार्ड्स है। जैसे नॉइज ये ईयर को इम्पैक्ट कर सकता है और इसीलिए आपको ईयर प्लग या ईयर मफ्स यूज करना पड़ेंगे, या फिर वाइब्रेशंस अगर ज्यादा है तो उस हिसाब से आपको हैंड ग्लोव्स यूज करना पड़ेंगे या फिर वाइब्रेटिंग पैड्स यूज करना पड़ेंगे। अगर आपके कहीं सेक्शन में रेडिएशन ज्यादा रहते हैं, जैसे हमने बात की थी एक्सरेज या गामा रेज या और कुछ रेडिएशंस जिसकी वजह से यहाँ पे आपके हेल्थ को इश्यू हो सकता है, तो यहाँ पर आपको सिचुएशन देखना पड़ेगा और सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पीपी यूज करना है, अगर करना है तो कौन सा पीपी यूज करना है, तो एप्रोप्रिएट सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो है एटमोस्फेरिक कंटेमिनेंट, जैसे हमने बात की थी कि आपको रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ एयर की है, यानी कि इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये ऑक्सीजन के अलावा बाकी के अगर कंटेमिनेंट्स यहाँ पे रहेंगे एयर में तो वो भी आपके रेस्पिरेशन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकते हैं, यानी कि लंग्स पे भी जा सकते हैं। तो ये जो ट्रैक है इसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो रेस्पिरेटरी टाइप पीपीज आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके एटमॉस्फेयर में या एम्बिएंट में एक्चुअली ऑक्सीजन के अलावा कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है या नहीं। उसके अलावा जो हमने पहली बात की थी कि लीगल रिक्वायरमेंट अगर रहेगी तो ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि लीगल रिक्वायरमेंट के मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है, ऑफिसर्स की और मैनेजर्स की भी ये ड्यूटी है कि जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉयज को पीपी रिक्वायर्ड है वो पीपी आपको वहां पे प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये दोनों तरफ से ये क्लियर होना चाहिए कि आपको पीपी की नीड है, कौन से पीपीज की नीड है, कितने नंबर्स चाहिए, कितने टाइम तक यूज करना है और उसको प्रोवाइड करने के लिए आपको मैनेजमेंट हेल्प करेगी। तो अगर हमने जो अभी मोरल ड्यूटी के बारे में बात की जिसमें हमने कहा था कि लीगल अगर रिक्वायरमेंट है तो आपको ये कंपलसरी फुलफिल करना ही है, तो यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहां पे आपको पता चलता है कि पीपी की रिक्वायरमेंट ये लीगल रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल है फैक्ट्री एक्ट का, अगर आप फैक्ट्री एक्ट का पहले देखेंगे तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल और उसके अलावा अगर आप सेक्शन 2C भी देखेंगे तो उसमें हजार्डस प्रोसेस के डेफिनेशन दी है,
तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हजार्डस प्रोसेस और हजार्डस सब्सटेंसेस के बारे में। तो कोई भी सब्सटेंस जो आप प्रोड्यूस करते होंगे, हैंडल करते होंगे, स्टोर करते होंगे, और जिसकी वजह से आपके वर्कर्स के हेल्थ को प्रॉब्लम आता है या फिर आपके जो सराउंडिंग यानी कि एनवायरमेंट पे प्रॉब्लम आता होगा, तो वो जो सब्सटेंस है वो हजार्डस सब्सटेंस है और वो प्रोसेस जो है वो हजार्डस प्रोसेस है। तो ऐसे 29 हजार्डस जो प्रोसेस है यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है कि अगर ये हजार्डस प्रोसेस है तो आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, यहाँ पे आपको कंपलसरी यूज करना है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेकंड शेड्यूल देखेंगे फैक्ट्री एक्ट का, तो यहाँ पर उन्होंने सेक्शन जो 41F फैक्ट्री एक्ट का, उसके रेफरेंस थ्रू सेकंड शेड्यूल में भी टॉक्सिक केमिकल की लिस्ट दी है। तो ये जो टॉक्सिक केमिकल्स है, अगर यहाँ पे आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज में टॉक्सिक केमिकल्स यूज होते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करते या प्रोसेस में यूज करते स्टोर करते हैं, तो आपको पीपीई की जरूरत है। तो जहां पर आपके केमिकल्स की वजह से रेस्पिरेशन या बॉडी में आपके अगर केमिकल जाने की संभावना है, तो वहां पे आपको रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी आपको यूज करना कंपलसरी है। तो ये भी यहाँ पे सेकंड शेड्यूल में दिया है। उसके अलावा जो रूल 81 है, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 का मॉडल रूल है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आपको अलग अलग जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो आपको यूज करना चाहिए। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट दिए है वो दिए है रूल नंबर 73M में, जो है महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल का, MFR 1963 का जो रूल है, उसमें 73M जो है वो एक्चुअली वहां पे टाइटल दिया है कलेक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये जो केमिकल्स आप यूज करते हैं उसका आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पब्लिश करना है, लेकिन वो पब्लिश किसके थ्रू करना है, तो उसके लिए वहां पे कंसेप्ट है MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। तो नॉर्मली अगर आप इंडियन MSDS देखेंगे तो उसमें नॉर्मली 9-10 पॉइंट्स का MSDS है, जहां पर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया है कि अगर ये ऐसे हजार्ड्स वहां पे अवेलेबल रहोगे वो केमिकल की वजह से, तो आपको रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो MFR के अंदर जो शेड्यूल्स है वो शेड्यूल्स में भी अलग अलग रिक्वायरमेंट दिए कि आपको पीपी यूज करना चाहिए। जैसे अभी एक एग्जांपल है कि अगर आपने नॉइज के बारे में पढ़ा होगा, तो फैक्ट्री का जो रूल शेड्यूल जो है 29 नंबर का, तो वहां पे नॉइज के डिटेल्स दिए है। तो नॉइज इंपल्सिव नॉइज रहेगा या फिर कंटिन्यूअस नॉइज रहेगा, उसका मैक्सिमम डेसिबल्स लिमिट कितना रहेगा, और ये लिमिट्स क्रॉस करने के बाद आपको कंट्रोल करना है। अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना ही है। तो ये ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे हमने बात की थी IS स्टैंडर्ड्स के बारे में, ANSI स्टैंडर्ड यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको लोकल लेवल पे पहले आपको देखना है महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल, फिर आपको फैक्ट्री एक्ट देखना है नेशनल लेवल पे, और कुछ अलग स्टैंडर्ड जो है जो कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज आपकी IS स्टैंडर्ड के अलावा ANSI और OSHA की स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो नॉर्म्स है वो स्ट्रिंजेंट बन जाते हैं और प्रोटेक्शन जो है उसका लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट है जो पीपी के रिलेटेड है। अभी जो जनरल रिक्वायरमेंट है या फिर जो फैक्टर्स है, तो वो सिलेक्शन करते टाइम, जैसे अभी हमने कहा है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आप हार्ड हैट्स पहनने चाहिए या फिर आपको SCBA पहनना चाहिए, आपको हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए, लेकिन सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, हजार्ड क्या प्रेजेंट हो सकता है, एक्सीडेंट क्या होने के चांसेस है, उस हिसाब से आपको एप्रोप्रिएट पीपी सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी हैंड ग्लोव्स कोई भी कंडीशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन के लिए, कोई भी केमिकल के लिए नहीं चलेगा। जैसे अभी हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आप एसिड हैंडल करते हैं तो आपको एसिड प्रूफ हैंड ग्लोव्स ही यूज करना चाहिए। अगर आप डेंटिस्ट का काम करते हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपको डिस्पोजेबल जो हैंड ग्लोव्स है वही आपको यूज करना है। या फिर अगर आप कोई कटिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, जहां पे आपके पीपीज भी कट होने के चांसेस है,
तो आपको जो पंक्चर रेजिस्टेंस पीपी जो है वो आपको यूज करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जिससे आपको पता चलेगा कि एप्रोप्रिएट पीपी या फिर सिलेक्शन ऑफ पीपी जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स आप सोच सकते हैं जिसको हम थॉट प्रोसेस कहेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो है नेचर ऑफ पीपी, सीवियरिटी जो कंडीशन है वहां पे उसके आपको देखना पड़ेगी, और हजार्ड का टाइप क्या है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे मैकेनिकल हजार्ड के लिए अलग पीपी रहेगा, केमिकल हजार्ड के लिए अलग पीपी रहेगा, एर्गोनॉमिक हजार्ड के लिए अलग पीपी रहेगा, और उसका सीवियरिटी भी कितना है कि उसकी वजह से आपको सिर्फ अनकंफर्टेबल फील होगा या फिर आपको इंजुरी होने के चांसेस है या फिर फैटलिटी भी होने के चांसेस है, तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा जो उसका पीपी का मिनिमम वेट कितना है और जो डिसकंफर्ट या कंफर्ट लेवल है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको कहीं पे कैरी करना है या ट्रांसफर करना है या फिर आपको मूवमेंट करना है तो वेट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ये मिनिमम वेट जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो है अटैचमेंट टू द बॉडी, तो कुछ पीपी जो है जैसे सेफ्टी हार्नेस है या फिर आप एप्रॉन पहनते हैं या फिर फुल बॉडी एप्रॉन से, तो ये बॉडी से आपको डायरेक्टली अटैच होने चाहिए, और उसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए क्योंकि आपकी जो मूवमेंट है या ऑपरेशन है वो भी ठीक तरह से होने चाहिए और वो बॉडी से फिट भी होने चाहिए। उसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी है और अट्रैक्टिव भी होने चाहिए। तो जहां तक अगर आपको कुछ लेंथ की जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, तो वहां पर ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं। उसके अलावा जो अट्रैक्टिव है ये भी आज के डेट में प्रॉपर्टी आपको चेक करना पड़ेगी। स्पेशली अगर आप कुछ पीपीज की बात करेंगे, जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे या कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव एप्रॉन्स आपको यूज करना पड़ता है, उसका इंटेंशन अलग है। जैसे उस पे लाइट गिरेगा या सनलाइट में भी वो आपको यहाँ पे जो पीपीज है यानी कि एप्रॉन जो है वो आपको हाइयर या डार्क कलर साइड वाले देखेंगे, तो वो दूर से ही आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कोई आदमी काम कर रहा है, तो उस हिसाब से उनका जो अट्रैक्टिव जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो रहता है। तो उसके अलग अलग इंटेंशन भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको पैरामीटर आपको पीपी सिलेक्शन में यूज करना है। उसके अलावा जो है मटेरियल, जैसे हमने बात की थी कुछ प्लास्टिक मटेरियल भी हो सकता है, कुछ रबर मटेरियल हो सकता है, कुछ फोम भी हो सकता है या फिर कुछ मेटल भी हो सकता है, ये बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स हैं। तो ये मटेरियल का आपको ध्यान रखना है क्योंकि हर एक मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग अलग। जैसे आपको अगर रेजिस्टेंस, आपको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, जैसे आपके यहाँ पे अगर कोई काम ऐसा है कि जिसकी वजह से फ्रिक्शन के चांसेस है, आपका हेड प्रोटेक्ट होना चाहिए, तो हेड प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप हेलमेट पहनते होंगे तो उसका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। या फिर आप अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे जो हार्ड हैट पहनी जाती है तो उसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से कुछ टूल गिरता है या मटेरियल गिरता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपके हेड पे नहीं होना चाहिए, सर पे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको उस हिसाब से वो मटेरियल चॉइस करना चाहिए। या फिर उसके अलग अलग कुछ डिजाइंस रहते हैं जो कंफर्टेबल भी हो और आपको प्रोटेक्ट भी करो। जो डिफेक्टिव पीसेस है उसको आपको बाजू में करना है, वो भी आपको चेक कर लेना है या फिर इंस्पेक्शन करना है, और उसके जो अलग अलग यूजेस रहते हैं ये भी आपको देखना है और दूसरों को भी समझाना है। उसके अलावा अगर ये पीपी फेल हो जाते हैं तो आपको उसको रिपीट नहीं करना है, और उसके जगह आपको रिप्लेसमेंट जो अच्छे पीपी रहेंगे स्टैंडर्ड्स जो टेस्टिंग करने वाले वो आपको यूज करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे कहा है कि आईएस कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन यानी कि आपको आईएस टेस्टिंग थ्रू जो आने वाले जो पीपीज है वो पहले प्रेफर करना चाहिए। इसमें जो टेस्टिंग रहती है तो ये स्पेसिफिक टेस्टिंग रहती है, हर एक पीपी के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग टेस्टिंग्स रहती है, तो ये बहुत माइक्रो लेवल पे इन्होंने काम किया रहता है, इसीलिए आईएस स्टैंडर्ड ये सबसे अच्छा स्टैंडर्ड आपके लिए रहेगा। उसके अलावा जो पीपीज की क्लीनिंग प्रोसेस रहती है, उसका कुछ रिपेयर रहता है या फिर मेंटेनेंस करना रहता है, तो उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और कुछ पीपीज के लिए आईएस स्टैंडर्ड्स भी आपको रेफर करना है। जैसे हम बात करेंगे SCBA, तो ये सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस जो है, तो उसके लिए आपको आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही जाना चाहिए, तो ये SCBA आपको एक्चुअल जब कुछ प्रॉब्लम आएगा उस टाइम आपको काम में आएगा, क्योंकि उस टाइम आपको टेस्ट करने के लिए या ट्रायल एंड एरर करने के लिए आपको टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम SCBA बात कर रहे हैं तो आपको
हर सेकंड हर मिनट इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वहां पे आपको चेक करने के लिए भी स्कोप नहीं रहेगा। तो वो रेडी इक्विपमेंट ही चाहिए, रेडी पीपीई चाहिए, तो उसके लिए आपको रेगुलर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के जिसके बेसिस पे आप एप्रोप्रिएट पीपी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। जैसे अभी हमने अभी तक बात की कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एग्जैक्टली क्या है, उसका नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, हमको क्यों पीपी यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, और उसके अलग अलग फैक्टर्स क्या है। तो इसमें अभी पीपी में मेनली दो पार्ट रहते हैं, दो प्रकार रहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी और नॉन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप, ये रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी बताएं और यहाँ पे नॉन रेस्पिरेटरी। तो नॉर्मली कॉमन पब्लिक को, कॉमन पीपल को नॉन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी मालूम रहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेस्पिरेटरी को डिटेल में बताया, और नॉन रेस्पिरेटरी के बाद हम बाद में करेंगे। लेकिन नॉन रेस्पिरेटरी का मीनिंग क्या है, रेस्पिरेटरी मीनिंग रेस्पिरेशन के ट्रैक के हिसाब से है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि आप जो श्वास लेते हैं, आप बॉडी में जो लंग्स में जो एयर या ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ब्लड में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उसका हीमोग्लोबिन बनता है, तो वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए और वो अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसीलिए आपको रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी पे ध्यान देना है। और जो ऑक्सीजन या इनहेलेशन या रेस्पिरेशन वो प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन अलग आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हेड है, या फिर आपके हैंड्स है, या फिर आपके फुट है, या लेग्स है, या फिर आपकी ओवरऑल बॉडी, ग्लासेस है, यानी कि आपके आईज जो है आपको प्रोटेक्ट करना है। तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट जो है, अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो पीपीज यूज किए जाते हैं, तो वो पीपीज को हम नॉन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी बोलते हैं, क्योंकि ये पीपीज में, ये बॉडी पार्ट में रेस्पिरेशन को प्रोटेक्ट नहीं करना है आपको, तो ये पर्टिकुलर बॉडी को प्रोटेक्ट करना है या बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो जहां पर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी आते हैं। तो उसमें भी सब क्लासिफिकेशन है, एक है एयर प्यूरिफाइंग और दूसरा है सप्लाइड एयर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मुझे ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए ठीक तरह से, जो मिनिमम एयर में नॉर्मली रहता है 21% ऑक्सीजन रहता है एयर में, और 79% नाइट्रोजन रहता है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस भी होता है तो हम यहाँ पे 19 या 19.5 तक काम चला लेते हैं, लेकिन अगर उससे कम ऑक्सीजन सप्लाई होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आप पानी अगर पीते नहीं है कुछ घंटे के लिए, या फिर कुछ खाते नहीं है कुछ घंटों के लिए, तो भी आपकी बॉडी रजिस्ट कर सकती है आपकी इम्यूनिटी बेसिस पे। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है कुछ मिनट्स के लिए, तो आपका अनकॉन्शियसनेस या फैटलिटी भी हो सकता है। तो इसीलिए रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा है कि अगर आपके ओवरऑल एनवायरमेंट में कुछ कंटेमिनेंट्स है, यानी कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स या गैसेस है, या फिर वेपर्स है, या फ्यूम्स है, जो एयर में रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, तो उसके ऑक्सीजन के अलावा अगर कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के केमिकल्स आपके एनवायरमेंट में अवेलेबल है, और वो आप ब्रीदिंग करते टाइम वो कंटेमिनेंट्स यानी कि केमिकल्स आप अगर ब्रीथ करते होंगे, तो आपको प्यूरिफाइड एयर, तो प्योर एयर सप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके वर्किंग एनवायरमेंट में प्योर एयर नहीं है, उसमें इंप्योरिटीज या फॉरेन मटेरियल्स है, और जिसकी वजह से आपको प्योर एयर सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्योर एयर सप्लाई करने के लिए आप एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या रहता है, एक रहता है मैकेनिकल फिल्टर वाला, और दूसरा रहता है केमिकल फिल्टर वाला, और तीसरा रहता है ये कॉम्बिनेशन वाला। यानी कि ये प्योर जो एयर नहीं है आपको सप्लाई हो रही, तो ये एक्चुअली पोल्यूटेड एयर है, तो ये पोल्यूटेड एयर को
प्योर एयर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप मैकेनिकल फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम डस्ट मास्क देखते हैं, या फिर उसमें फिल्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आपके व्हीकल्स में भी ऐसे मैकेनिकल फिल्टर प्रोवाइड किए रहते हैं जहाँ पे प्यूरिफाइड एयर वहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए। तो ये मैकेनिकल फिल्टर थ्रू भी आप एयर प्यूरिफाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे केमिकल प्रोसेस यूज करके भी आप जो एयर है उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कार्ट्रिज टाइप ऑफ गैस मास्क है, तो ये डस्ट टाइप वाले मास्क नहीं है, ये एक्चुअली यहाँ पे एडसॉर्बेंट यूज किया जाता है। यहाँ पे एडसॉर्प्शन प्रोसेस है, ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है, तो जो भी इम्प्योरिटीज यहाँ पे आपके एयर में रह गए तो वो जो इम्प्योरिटी है वो ये एडसॉर्बेंट पे ऑटोमेटिक एडसॉर्ब हो जाएगी और जो प्योर एयर है यहाँ से पास हो जाएगी। तो जो इम्प्योरिटी है तो ये एडसॉर्बेंट जो केमिकल रहेगा ये केमिकल उसको यहाँ पे लॉक कर लेगा या ब्लॉक कर लेगा, तो उसको एडसॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। और ये सरफेस पे होता है इसलिए इसको सरफेस फिनोमिना एडसॉर्प्शन कहते हैं। तो ये गैस मास्क जो है कार्ट्रिज टाइप वाला, तो ये इसमें एडसॉर्बेंट रहता है। तो ये नॉर्मल गैस मास्क जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसको जो डस्ट मास्क बोलते हैं, तो ये डस्ट मास्क एक्चुअली मैकेनिकल फिल्टर का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली आपको सॉलिड के साइज के बेसिस पे आपको डस्ट टाइप जो माइक्रोन साइज है उसको ब्लॉक कर रहे हैं हम और प्योर एयर पास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो केमिकल यहाँ पे अवेलेबल होगा एयर में उसको ब्लॉक करेंगे या एड्सॉर्ब करेंगे और प्योर एयर पास करेंगे। तो ऐसा कार्ट्रिज टाइप ऑफ गैस मास्क से भी हो सकता है, या फिर आपको सेल्फ रेस्क्यू फिल्टर जो रहते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये था अगर प्योर एयर नहीं है आपके यहाँ पे तो यहाँ पे एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर आप यूज कर सकते हैं। अभी उसके अलावा जो सप्लाइड एयर है, यानी कि आपके यहाँ पे जो इम्प्योर एयर है उसको हम फिल्टर नहीं कर रहे, उसको प्यूरिफाई नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो प्योर एयर है उसको सप्लाई कर रहे हैं। तो प्योर एयर ही आपको सप्लाई अगर करनी होगी जो इक्विपमेंट थ्रू यूपीपी के थ्रू, उसको कहेंगे हम सप्लाइड एयर रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपी। तो उसके लिए आप एयरलाइन भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसी लाइन या ऐसी पाइपलाइन जिसके थ्रू आप प्योर एयर सप्लाई करेंगे और वो पर्सन के पास वहां पे वो प्योर एयर जाएगी। तो जहां पे उसका जो ब्रीदिंग जोन है, यानी कि आपका जो नोज है उसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर तक जो रहता है वहां तक वो एयरलाइन जो है वो सप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो एक तो एयरलाइन रेस्पिरेटर भी यूज कर सकते हैं, या फिर होज मास्क भी यूज कर सकते हैं प्रेशर या सक्शन, और उसके अलावा जो सूट्स है वो सूट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सूट्स है जो सूट्स में ही ऑलरेडी ये सप्लाइड एयर वाला जो पीपी है इनबिल्ट रहता है और आपको प्योर एयर सप्लाई की जाएगी। तो जैसे आप अगर गैस वेल्डिंग का काम करते हैं या फिर नॉर्मल दूसरे कुछ वेल्डिंग का काम करते हैं या फिर ऐसे कुछ ऑपरेशन करते हैं जहां पे फ्यूम्स आने के चांसेस है या फिर स्मोक आने के चांसेस है, और शायद वो जो ऑपरेशन है अगर आप वो प्रेशर वेसल में करते होंगे या फिर बॉयलर में करते होंगे या फिर कोई वेसल में करते होंगे और वहां पे प्योर एयर आने के चांसेस कम है, तो ऐसी जगह आपको ये सप्लाइड एयर जो रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपीए वो आपको काम में आ सकता है। उसके अलावा जो सेकेंड टाइप है वो है SCBA, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस। तो ये SCBA या SBA भी कहते हैं इसको। तो ये सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस क्या है, तो इसमें ही एक्चुअली ऑक्सीजन रहता है, तो ये एपरेटस में ऑक्सीजन रहता है और यही आपको ये डायरेक्टली सप्लाई करेगा, यहाँ पे स्पेसिफिक लाइन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी दो टाइप है, एक रहता है डैमेज टाइप और दूसरा रहता है रिसर्कुलेटिंग टाइप। यानी कि अगर आपको सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट का काम है और आपको SCBA यूज करना है, वहां पे ऑक्सीजन डिफिशियंट एटमॉस्फेयर है, तो आपको डैमेज टाइप SCBA यूज करना चाहिए। अगर आपका काम 5-10 मिनट में होने वाला है और आपके पास 20 मिनट्स वाला जो कार्ट्रिज टाइप ऑफ SCBA रहता है वो आपके पास अवेलेबल है तो वो सफिशियंट है, तो उसके लिए कॉम्प्रेस्ड एयर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंटिन्यूस काम करना है या फिर फ्रिक्वेंसी ज्यादा है उसकी, 10 बार मुझे वो काम करना है,
तो यहाँ पे ये कार्ट्रिज टाइप की जगह या डैमेज टाइप की जगह आपको रिसर्कुलेटिंग टाइप ऑफ SCBA यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो एयर यूज होगी, फिर उसको रिसर्कुलेशन करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे और आप ये कंटिन्यूस बेसिस पे यूज कर सकते हैं बार बार। तो ये डिपेंड है कि यहाँ पे उसका ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आता है, उस हिसाब से आपका ये रिसर्कुलेशन डिसाइड होगा। तो इसमें कॉम्प्रेस्ड ऑक्सीजन यूज किया जाता है और डैमेज टाइप में कॉम्प्रेस्ड एयर यूज की जाती है। यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड ऑक्सीजन वाला भी अलग से, डैमेज टाइप वाला आता है। उसके अलावा जो है रीजनरेटेड ऑक्सीजन, तो ये रिसर्कुलेशन हम बात कर रहे हैं, तो आप बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन कब, तो यहाँ पे आपको रीजनरेशन करना पड़ेगा। यानी कि जो भी आपके यहाँ पे इम्प्यूरिटीज है या फिर जो कंटेमिनेंट्स है, वो इम्प्यूरिटीज हटाने देनी चाहिए या फिर ब्लॉक करना है, और आपको वापस से ये इम्प्यूरिटीज सेपरेट आउट करनी है, और फिर आपको जो फ्रेश ऑक्सीजन या फ्रेश एयर जो है वो आप यहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली मेन क्लासिफिकेशन है पीपी का, रेस्पिरेटरी, नॉन रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी के हमने सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। तो नॉन रेस्पिरेटरी के लिए डिटेल्स में हम वापस से देखेंगे। तो अभी इसमें जो क्लासिफिकेशन था, उसके अलावा आपको यहां से भी पता चलेगा कि नॉन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपीए जो हमने बात की, वो अलग अलग यहाँ पे एग्जांपल्स है। जैसे नॉर्मली जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको मालूम है, हार्डहैट्स, हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, गॉगल्स, फेस शील्ड्स, या ईयर प्लग्स, ईयर मफ्स जो ईयर प्रोटेक्शन के लिए, फेस शील्ड वो फेस प्रोटेक्शन के लिए, या फिर जो ग्लोव्स उसमें भी कॉटन, लेदर, लैटेक्स, वाइट ऑन, ब्यूटिल, नियोप्रीन, पीवीसी, नाइट्राइल, ये सब अलग अलग मटेरियल है। तो अलग अलग मटेरियल, अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग एप्लीकेशन। तो वो ग्लोव्स जो हैंड प्रोटेक्शन के लिए है, तो अलग अलग मटेरियल के हिसाब से उसके एप्लीकेशन डिसाइड हो जाएगा। उसके अलावा जो हम क्लोथिंग वेस्ट यूज करते हैं ओवरऑल, जैसे एप्रॉन हम यूज करते हैं या फुल बॉडी एप्रॉन यूज करते हैं, तो वो यूनिफॉर्म्स और डिस्पोजेबल क्लोथिंग वेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा जो वेदर प्रोटेक्शन के लिए यूज करना पड़ता है पीपी, वो भी यहाँ पे अलग से हो सकते हैं, या फिर आपके लेग प्रोटेक्शन के लिए, फुट प्रोटेक्शन के लिए शूज या बूट्स या स्टील टो शूज और बूट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो नॉन रेस्पिरेटरी पीपी के अंदर आते हैं। अभी जो हमने बात की कि आपको पीपी यूज करना है, आपको एप्रोप्रिएट सिलेक्शन भी करना है और आपको स्टैंडर्ड्स भी देखना है, यानी कि क्वालिटी भी देखनी है। तो ये नॉर्मली क्वालिटी देखने के लिए आपको स्टैंडर्ड्स यूज करना चाहिए, और हमने सबसे पहली रिक्वायरमेंट या मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात की थी, IS स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके अलावा आप ANSI स्टैंडर्ड भी दे सकते हैं, या फिर OSHA स्टैंडर्ड्स भी देख सकते हैं, या फिर और कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी आप देख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है IS स्टैंडर्ड की। तो हमने जो अभी बात की जो मेन नॉन रेस्पिरेटरी और रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ पीपीई की, तो इसमें ये अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी पीपीई यूज होते होंगे, तो यहाँ पे उसको रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अलग अलग कौन से IS स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हेड है, तो हेड प्रोटेक्शन के लिए जो हार्ड हैट हेलमेट यूज किए जाते हैं, तो उसमें 2925, 4151, 9562, 7692, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स। अगर आप आई प्रोटेक्शन या फेस प्रोटेक्शन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है। उसके अलावा जो हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए भी है, हैंड प्रोटेक्शन के लिए भी IS स्टैंडर्ड्स है, या फूड प्रोटेक्शन के लिए भी इतने सारे स्टैंडर्ड्स है, और क्लोथ प्रोटेक्शन के लिए भी। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन या स्पेसिफिक गाइडलाइन के लिए स्पेसिफिक IS स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो कैनिस्टर टाइप, यानी कि गैस मास्क जो मैंने कार्ट्रिज टाइप का बताया था, तो वो गैस मास्क जिसमें एड्सॉर्बेंट रहता है या केमिकल रहता है, वो जो इम्प्यूरिटी एड्सॉर्ब कर लेता है, तो ऐसे जो कार्ट्रिजेस है या फिर जो कैनिस्टर से या फिर जो गैस मास्क है, तो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन या मार्किंग करने के लिए यहाँ पे 8318 ये पर्टिकुलर IS स्टैंडर्ड है। यानी कि ये स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी टाइप में स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए स्पेसिफिक IS स्टैंडर्ड है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जहां से आपको पता चलेगा कि प्रोटेक्टिव जो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है उसकी ग्लॉसरी दी है IS स्टैंडर्ड 8347 में, या फिर केमिकल कार्ट्रिज के बारे में जो हमने बात की थी वो 8522 में है, या फिर जो नॉर्मल एनेस्टर टाइप गैस मास्क है
उसमें 8523 में गाइडलाइंस दिए हैं, या फिर जो हाफ मास्क रहते हैं, या फिर जो पार्टिकल्स प्रोटेक्ट करने के लिए जो मास्क यूज करते हैं उसके लिए 9473 है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो फिल्टर यूज करते हैं उसका सेल्फ रेस्क्यूअर जिसको हम कहेंगे वो है 9563। फिर उसके लिए अलग जो रिकमेंडेशन या मेंटेनेंस के लिए जो गाइडलाइंस है उसका 9623 में दिया है। और जो सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस है इसके अलग अलग पार्ट है, नॉर्मली हम पार्ट वन और पार्ट टू के बारे में अलग प्रेजेंटेशन में बात करेंगे, जो है 10245 पार्ट वन एंड पार्ट टू। और उसके अलावा जो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस है या फिर गैस फिल्टर से इसके बारे में भी जो गाइडलाइंस है वो 15322 और 323 में की गई है। तो ये बहुत सारे हाई स्टैंडर्ड से आप डिटेल में इसको रेफर कर सकते हैं, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए बताए यहाँ पे। अभी ये जो नॉन रेस्पिरेटरी पीपी है उसके बारे में हमने बात की थी, तो अगर आपको पर्टिकुलर पॉइंट देखना है जैसे पीपी का सिलेक्शन है या फिर क्लासिफिकेशन है, तो हमने रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी बारे में क्लासिफिकेशन बताया था। यहाँ पे जो बात हो रही है वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट प्रोटेक्ट करने के लिए और या फिर आपका जो पर्टिकुलर हजार्ड है उसके ओरिएंटेड पीपी कौन सा नेसेसरी है, ये टेबल यहाँ पे बात करता है। जैसे यहाँ पे बॉडी पार्ट है आपका हेड, तो हेड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आपको पीपी यूज करना है हार्ड हैट्स या हेलमेट्स। यहाँ पे हजार्ड कौन सा प्रेजेंट है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फिर और दूसरे भी हजार्ड्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी ये कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड हमने फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स लिया है, या फिर आप स्कैफोल्डिंग यूज कर रहे हैं, या फिर आप लैडर्स यूज कर रहे हैं, या फिर आप हाइट पे कुछ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉलिंग के चांसेस है, तो उस हिसाब से हार्ड हैट्स और हेलमेट्स आप पीपी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग हजार्ड्स आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे केमिकल स्प्लैश है, डस्ट है, फ्लाइंग पार्टिकल्स है, गैस है, तो यहाँ पे आपके आई जो बॉडी पार्ट है वहां पे हजार्ड की वजह से इंपैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ग्लासेस यूज करना पड़ेंगे या फिर फेस शील्ड यूज करना पड़ेंगे या फिर गॉगल्स यूज करना पड़ेंगे। अगर यहाँ पे नॉइज ज्यादा है जैसे 85 प्लस जो लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है, अभी हम बात करेंगे 85 डेसिबल्स की लिमिट, तो 85 डेसिबल्स प्लस नॉइज अगर होता है तो आपके ईयर पे इंपैक्ट हो सकता है, और जिसके लिए आपको पीपी यूज करना है ईयर प्लग्स या ईयर मफ। उस हिसाब से अगर टॉक्सिक गैसेस है तो नोज पे इंपैक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इंपैक्ट हो सकता है, मास्क पहनना है। अभी जो हॉट सब्सटेंसेस है, स्प्लैश है, फ्लाइंग पार्टिकल, ये फेस पे भी इंपैक्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फेस शील्ड यूज करना चाहिए। अभी ये जो शार्प एजेस या एसिड अल्कली अगर आप केमिकल्स यूज करते हैं, हैंडल करते हैं या फिर लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, तो आपका जो बॉडी पार्ट हैंड है उस पर इंपैक्ट हो सकता है, उस हिसाब से आपको ग्लोव्स यूज करना चाहिए अलग अलग टाइप के। और फिर जो अलग अलग फायर के यहाँ पे अगर चांसेस होते होंगे या फिर आपके यहाँ पे हाई टेम्परेचर अवेलेबल है या फिर आपका प्रोसेस का हाई टेम्परेचर एक पार्ट है जो आप कम टेम्परेचर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल बॉडी को आपको प्रोटेक्ट करना है, उस हिसाब से आपको डिस्पोजेबल क्लोथिंग वेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा जो स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट्स है या फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ऐसे बहुत सारे जो आप इक्विपमेंट या सब्सटेंसेस या टूल्स जब हैंडल करते हैं तो वहां पे आपके पैर पे भी ये टूल्स यहाँ पे गिर सकते हैं, या फिर जो भी सब्सटेंस आप कैरी कर रहे हैं या फिर जो इक्विपमेंट मशीनरी कैरी कर रहे हैं वो भी गिर सकता है, स्लिप हो सकता है, उसकी वजह से आपके जो लेग्स या फुट है वहां पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, इंजुरी हो सकती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको शूज वगैरह यूज करना चाहिए। और जो भी आपके यहाँ पे ओवरऑल हजार्ड्स रहेंगे उस हिसाब से आपको ओवरऑल प्रोटेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये डिपेंड है आपके यहाँ पे एनवायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हजार्ड्स क्या है, बॉडी पार्ट आपका कौन सा इंजोर हो सकता है, और उस हिसाब से आपको वो पीपी आपको चॉइस करना पड़ेगा। अभी एक अलग क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहेंगे जो सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ जो पीपीज है उसमें स्पेसिफिकली हजार्ड के बेसिस पे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जो भी हजार्ड का टाइप रहेगा उस हिसाब से भी पीपी का क्लासिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे आपको हजार्डस सब्सटेंस दिखाई देता है और यहाँ पे है ऑक्सीजन डिफिशियंट एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन मिनिमम रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए जो 21% है
तो ये अगर नहीं है तो इसको ऑक्सीजन डिफिशियंट एटमॉस्फेयर कहेंगे। और यहाँ पे कोई दूसरा ही सब्सटेंस यहाँ पे आपके एटमॉस्फेयर में है, जैसे CH2 है, या फिर H2S है, या फिर क्लोरीन है, या फिर CO है, ऐसे कुछ अगर हजार्डस सब्सटेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है तो ये एक्चुअली डेंजरस है। तो ये एक्चुअली जो हजार्ड है, ये हजार्ड की वजह से यहाँ पे अलग क्लासिफिकेशन दिया है। तो उस हिसाब से पीपी कौन सा यूज करना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर आपके एनवायरमेंट में गैस या वेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है तो आपको तुरंत देखना चाहिए कि ये इमिनेंट डेंजर टू लाइफ, यानी कि कुछ मिनट्स में भी आपका यहाँ पे डेथ हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको इक्विपमेंट जो है SCBA यूज करना चाहिए, या फिर होज मास्क यूज करना चाहिए, या फिर गैस मास्क यूज करना चाहिए। तो जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर PPE चॉइस करना चाहिए। अगर यहाँ पे गैसेस और वेपर्स अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में लेकिन ये डायरेक्टली डेंजर टू लाइफ नहीं है तो यहाँ पे उसको कहते हैं नो इमिनेंट डेंजर टू लाइफ। तो आपको कुछ मिनट्स में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत शायद नॉजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, या फिर आप सफोकेशन फील कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली लाइफ पे आपको यानी कि फैटलिटी केसेस यहाँ पे होने के चांसेस नहीं। तो उस टाइम आप प्यूरिफाइड एयरलाइन यूज कर सकते हैं, एयरलाइन रेस्पिरेटर यूज कर सकते हैं, या फिर होज मास्क यूज कर सकते हैं, गैस मास्क यूज कर सकते हैं, या फिर कार्ट्रिज टाइप ऑफ मास्क भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो SCBA है वो भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आपको 10-15 मिनट का काम है और यहाँ पे गैसेस वेपर कुछ प्रेजेंट है लेकिन वो डायरेक्टली डेंजरस टू लाइफ नहीं है, उस हिसाब से आपको चॉइस करना पड़ेगा। अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ पे आपके एनवायरनमेंट में गैसेस वेपर की जगह फ्लाइंग पार्टिकल्स, जैसे अगर आप कारपेंट्री वर्क देखेंगे या फिर कुछ मेटल वर्क देखेंगे, ग्राइंडिंग वर्क देखेंगे, कुछ कटिंग वर्क देखेंगे, फिनिशिंग वर्क देखेंगे, तो उसमें मेटल के, वुड के, प्लास्टिक के फ्लाइंग पार्टिकल्स यहाँ पे आने के चांसेस है। तो आपके कोई भी बॉडी पार्ट को, स्पेशली हम फेस आईज की बात कर रहे हैं, तो ये बॉडीज पार्ट्स को जो है वो इंज्योर कर सकता है। तो इसीलिए आपको अलग अलग यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ PPE आप यूज कर सकते हैं। तो फ्लाइंग पार्टिकल्स के लिए आपको ग्लासेस या फेस शील्ड हेलमेट्स आप यूज करते होंगे, लेकिन रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी कुछ माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल्स यहाँ पे क्रिएट होंगे तो उसके लिए आपको शायद अलग अलग से कुछ डस्ट मास्क आपको यूज करना पड़ेंगे, या फिर शायद आपको गैस मास्क यूज करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड है एक्चुअली जो फ्लाइंग पार्टिकल है उसका टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे उसका नेचर दिया है, डस्ट हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, फ्यूम हो सकता है। यहाँ पे अगर ये होता है तो आपको एयरलाइन रेस्पिरेटर यूज करना है। अगर यहाँ पे एब्रेसिव ब्लास्टिंग वगैरह होती है, जहाँ पे कुछ जैसे हमने पहले देखा था कि सिलिकॉन या फिर सैंड ब्लास्टिंग होती है, तो ऐसा कुछ ब्लास्टिंग होता है तो वहां पर भी पाउडर या फ्लाइंग पार्टिकल्स के चांसेस होती है, तो उसके लिए भी आपको अलग से रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ PPE यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ये दोनों कंडीशन है, यानी कि गैसेस और वेपर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है और फ्लाइंग पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, तो आपको ये टोटल गैस और वेपर के लिए और जो फ्लाइंग पार्टिकल्स के लिए जो PPEs दिए हैं वो आपको दोनों भी यूज करना पड़ेंगे। तो कंडीशंस पे डिपेंड रहेगा कि आपके यहाँ पे एक्चुअली अवेलेबल क्या है, यानी कि हजार्डस सब्सटेंस कौन सा प्रेजेंट है, फिर आपको उसकी MSDS और उसकी प्रॉपर्टीज आपको चेक करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये क्लासिफिकेशन जो है या फिर सिलेक्शन जो है रेस्पिरेटरी टाइप ऑफ PPE का हजार्ड बेसिस पे है, यानी कि डेंजर बेसिस पे है। तो उसके अलावा अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जो भी आप PPE यूज कर रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी टाइप या नॉन रेस्पिरेटरी टाइप, तो उसमें अलग अलग मटेरियल यूज किया जाता है। हर एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से उसके एप्लीकेशन रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे हमने बात की थी बॉडी पार्ट्स को बचाने के लिए और हजार्ड्स के बारे में हमने कहा था कि फॉलिंग हजार्ड है, तो ये अगर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड है या फ्लाइंग पार्टिकल की वजह से आपको प्रोटेक्शन चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ आप नाइफ्स यूज कर रहे हैं या फिर कुछ कटिंग मशीनरीज यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे एब्रेशन के चांसेस होते होंगे, तो यहाँ पे आपको कंपलसरी मटेरियल ये मेटल यूज करना चाहिए।
तो यही मेन एब्रेशन रेजिस्टेंस या कट रेजिस्टेंस, ऐसे सारी प्रॉपर्टीज ये मेटल में नॉर्मली होती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे स्पार्क्स है या फिर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, वो शायद लो सिवियरिटी वाले, फ्लाइंग पार्टिकल्स, इसका भी सिवियरिटी कम लेवल रहेगा, और इलेक्ट्रिक शॉक्स यहाँ पे पॉसिबल है इलेक्ट्रिक हजार्ड से, या फिर कट्स जो माइनर लेवल पे हो सकते हैं, और एब्रेशन रेजिस्टेंस। तो अगर जहाँ पे मेटल पॉसिबल नहीं है तो आप प्लास्टिक या पॉलीविनिल क्लोराइड यानी कि पीवीसी यूज कर सकते हैं। कहीं जगह आपको हॉट लिक्विड्स यूज करना है, मॉइस्चर्स हैंडल करना है, एसिड्स हैंडल करना है, अल्कलीज हैंडल करना है, या फिर इलेक्ट्रिक हजार्ड्स के भी चांसेस है, इलेक्ट्रिक शॉक्स के भी चांसेस है, तो उस हिसाब से आपको रबर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये रबर की एक अच्छी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है टुवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज, इलेक्ट्रिक शॉक्स और मॉइस्चर्स के रिलेटेड। उसके अलावा अगर स्पेसिफिक हम देखेंगे तो स्पार्क है और हॉट मटेरियल, तो जो हॉट मटेरियल ओरिएंटेड जो थर्मल रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे, तो ये थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले यूज करते थे एस्बेस्टॉस, तो अभी भी हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स में मशीनरीज में ये एस्बेस्टॉस एज अ हीटिंग रेजिस्टेंस मटेरियल यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है जो पीपी के सिलेक्शन में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी मटेरियल कहीं पर भी यूज करेंगे तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो इसीलिए मटेरियल भी पीपी का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको ये ओवरऑल पीपी के बारे में पढ़ना है, अगर आपको पीपी यूज करना है, तो सबसे पहली चीज आपको हजार्ड असेसमेंट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको जो भी आपका रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे जॉब रहेगा, तो वहां पे आपको जो जॉब फंक्शन है वहां पे इवेल्यूशन करना चाहिए कि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के हजार्ड्स क्या है, और फिर ये जो हजार्ड्स है उसके अलग अलग लेवल्स क्या है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या है, और ये आपके बॉडी पार्ट्स को कहाँ पे हार्म कर सकता है। जैसे हमने बात कही थी कि ईयर के लिए, नोज के लिए, आईज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, स्किन्स के लिए, तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर उस हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पीपी आपको अप्रोप्रिएट है। यानी कि आप डेंजर या हजार्डस सब्सटेंस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन आपको मालूम होना चाहिए, रेस्पिरेटरी नॉन रेस्पिरेटरी भी मालूम होना चाहिए, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी मालूम होना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड्स जैसे हमने आईएस और एनसी और ओशा के बारे में कहा था वो स्टैंडर्ड्स भी आपको मालूम होना चाहिए, और उस हिसाब से फिर आपके जो अलग अलग पॉइंट्स हमने बताए कि जो पीपी के कुछ लिमिटेशंस है वो मिनिमाइज करना चाहिए, और उसका कंफर्टेबल जो लेवल है वो हायर लेवल पे होना चाहिए। इस ओवरऑल जो पैरामीटर है इस हिसाब से आपको पीपी फाइनलाइज करना चाहिए। तो ये बेसिक था पीपी के बारे में।